लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। शायद ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 21 होगा। और हाँ, आज आपको एक जानकारी और देनी है कि हम लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग में अब तक लगभग 20 तरीके के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यानी कि लगभग 20 कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया है। तो मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग के लगभग 150 क्वेश्चन का एक पीडीएफ का मैटर है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जो इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो उस पीडीएफ की लिंक पड़ी होगी, तो आप लोग वहां से मैटर को ले सकते हैं, या फिर आप मेरी फेसबुक आईडी पर जाकर, या फिर एक्सीट पब्लिकेशन का पेज होगा वहां पर जाकर आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लगभग 150 क्वेश्चन है उसमें। कुछ क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें दे रखा है जो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का क्वेश्चन इस तरीके से है, दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 13 है, 13 है। यदि इस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 45 यानी 45 कम है तो मूल संख्या क्या है। तो मैं पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव बताता हूं कि इसको डिटेल में कैसे लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट कैसे है, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिएगा, पहले मैं इसका डिस्क्रिप्टिव बताता हूं आप लोग को। जिसे कहा गया है कि दो अंकों से बनी एक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 13 है। तो हम लोग क्या करें, मान लेते हैं यूनिट डिजिट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अंकों का योग 13 है, तो हमने मान लिया कि जो दहाई का अंक है वो एक्स है और इकाई का अंक क्या है, वाई है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर मैं बात करूं संख्या, तो हमारी जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, 10x प्लस वाई। अगर दहाई का अंक यक्स है और इकाई का अंक वाई है तो संख्या मूल संख्या क्या होगी, 10x धन वाई। ठीक है, तो इस संख्या को मानना आप लोगों को आता होगा, अगर दहाई का अंक यक्स है और इकाई का अंक वाई है तो संख्या 10x प्लस वाई। ये कैसे होगा आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने नंबर सिस्टम में एक वीडियो लेक्चर बनाया था जिसका नाम था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान। वहां पर मैंने इस चीज को समझाया है कि किसी संख्या को 10x प्लस वाई क्यों लिखते हैं। तो अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा हम लोग क्यों मानते हैं। हालांकि मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं
कि इकाई है तो एक का गुणा और दहाई में दस का गुणा, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का नाम था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कि अगर अंकों को बदल दिया जाए तो न्यू नंबर क्या होगा, 10y प्लस एक्स। अगर हम इकाई और दहाई को बदल दें, यानी हमने दहाई x माना है इकाई y, अब हम दहाई को y ले लें और इकाई को x ले लें तो नया नंबर क्या होगा, 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 45 कम है, तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे कि जो नया नंबर है, न्यू नंबर है, वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, 45 कम है ये। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 45 और x माइनस y इज इक्वल टू 5। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दूं तो मैं आपको यहां पर सॉल्व कर देता हूं, x प्लस y इज इक्वल टू 13, x माइनस y इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x बराबर क्या आएगा, 9, और x का मान अगर मैं किसी इक्वेशन में रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और हमने दहाई का अंक 9 माना था और इकाई का अंक हमने दहाई का अंक x माना था जिसकी वैल्यू क्या आई, 9, और हमने इकाई का अंक y माना था जिसको जिसकी वैल्यू क्या आई, 4। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है, 94। अगर दहाई का अंक 9 है और इकाई का अंक 4 है तो हमारा आंसर क्या होगा, 94, और यही हमारा सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, इसमें समय काफी लग जाएगा, लेकिन आपको इसका जो प्रॉपर ओरिजिनल तरीका है वो आना जरूर चाहिए, जिससे आपकी जो है मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप हो। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। जैसे कहा गया है कि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 13 है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो 7 प्लस 6 13 होता है, 8 प्लस 5 भी 13 होता है, और 9 प्लस 4 भी 13 होगा। यानी जो क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी गई है वो तीनों ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। आगे कह रहा है यदि इस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है। तो हम लोग चेक करते हैं, अगर मैं पहले ऑप्शन में इसके इकाई और दहाई को बदलता हूं तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी कम आई, 9, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितना कम होना चाहिए, 45, यानी ये आंसर ए नहीं हो सकता। अब मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं, 85। अगर मैं 85 में
अंकों को आपस में बदलूंगा तो ये क्या आएगा 58, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 27। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 45 कम है, तो तीसरा ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो 94 के जब मैं अंकों को इंटरचेंज करूंगा तो क्या बनेगा 49, और जो 49 है वो 94 से कितना कम है 45। और यही हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 45 कम होना चाहिए, इसका मतलब यही हमारा सही उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं दूसरा और ले लेता हूं। यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग क्या है। मैं मान लेता हूं 11 है। यदि इस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। इस बार अधिक मैंने बोला है। और हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है 38, 47, 56, 65। अब देखिएगा, मैं इसका पहले आपको फिर से डिस्क्रिप्टिव बताता हूं जिससे आप लोग का दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो सब कुछ वही रहेगा। मैं मान लेता हूं कि इकाई का अंक वाई है, दहाई का अंक एक्स है, और अंकों का योग दिया गया है 11। तो ओरिजिनल नंबर होगा हमारा 10x+y। एक हमने x+y = 11 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10x+y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर क्या होगा 10y+x। अब क्या कहा गया है, अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना होगा। कहा गया है कि यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या, जो नई संख्या है यानी 10y+x, ये जो मूल नंबर है, क्या मूल नंबर क्या है, ये 10x+y से 27 अधिक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, y-x = 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, यहां पर पहला इक्वेशन है x+y = 11, और ये है y-x = 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y = 7। और जब y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमको x = क्या मिलेगा 4। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा 47, 47। और 47 ही इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है। तो इसका ये तो डिस्क्रिप्टिव तरीका है जो आप लोगों को आना चाहिए। अब एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में हम लोग वही पुराना अपना तरीका ऑप्शन से हम देखते हैं।
पहला ऑप्शन क्या है 38, इनको अंकों को जब मैं चेंज करूंगा तो ये कितना आएगा, ये संख्या कितना अधिक है, तो ये संख्या जब हम लोग देखेंगे तो कितना अधिक है, ये नियर अबाउट सॉरी नियर अबाउट नहीं एग्जैक्टली 45 अधिक है, और लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 27 अधिक होना चाहिए, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में देखेंगे हम तो ये कितना अधिक है 27, और क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो नया नंबर है जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक होना चाहिए, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ऑप्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसकी आपको अच्छे से समझ में जो है होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत है तो एक दो बार जहां आप वीडियो देखेंगे आपको चीजें निश्चित रूप से समझ में आ जाएंगी। और मैं आपको जाते जाते फिर से याद दिला दूं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि लगभग 150 क्वेश्चन का PDF मैं यहाँ नीचे आपको लिंक दे दिया हूँ, जिसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अभी आगे मैं और आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस बताता जाऊंगा और आप लोग धीरे धीरे अभ्यास करते रहिएगा। अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं।